सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या गोट फार्मिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ आप बहुत कम जगह में और बहुत कम दिनों में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो साथ में बटेर पालन यानी क्वेल फार्मिंग कर सकते हैं। बटेर पालन तकरीबन 30 से 35 दिनों में और बहुत छोटी जगह में आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो अगर आप पहले से ये फार्मिंग्स करते हैं तो बटेर पालन शुरू करके आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो बटेर पालन कैसे करना चाहिए, उसको क्या लगता है, उसकी जगह कितनी लगती है, बटेर में कौन से रोग होते हैं, उनसे कैसे बचाव करना चाहिए, बटेर कहाँ मिलते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि बटेर को सिर्फ 35 से 40 दिन लगते हैं उसकी पूरी ग्रोथ अटेंड करने के लिए, उसके बाद आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और तकरीबन जहां एक मुर्गी जितनी जगह उसको लगती है उस मुर्गी की जगह में आप 8 से 10 बटेर पाल सकते हैं, यानी बहुत ही कम जगह लगती है और बहुत ही कम दिनों में आप बटेर को बड़ा कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो सभी का पहला सवाल यही होता है कि बटेर के चूज़े कहां मिलेंगे और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, अगर ये सवाल आपको भी पड़ा है तो इसका मतलब है आपके एरिया में बटेर पालन प्रचलित नहीं है। यकीन मानिए, यही सबसे अच्छा समय है बटेर पालन शुरू करने का। दोस्तों, चूज़ों के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको चूज़े तो नहीं मिलेंगे लेकिन चूज़े कहाँ मिलते हैं इसका पता ज़रूर मिलेगा। बाकी बात मार्केटिंग की, अगर आपके एरिया में इससे पहले बटेर पालन प्रचलित नहीं है तो शुरुआती दौर में आपको मार्केटिंग करने के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। पर अगर आपका जो एरिया है या आपका जो गाँव है शहर के बाजू में है या आपके एरिया गाँव से शहर नज़दीक है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के होटल्स, चिकन शॉप, यहाँ आप अपना बटेर पालन उनको बेच सकते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको बटेर पालन की मार्केटिंग आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बटेर पालन आपके एरिया में आप ही पहले है जो शुरू कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको इसके अच्छे दाम ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मार्केटिंग की थोड़ी सी शुरुआती आपको समस्या आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो शुरुआती कुछ बैचेस है वो ज़्यादा बड़ी ना ले। आप 100 बटेर से शुरुआत कर सकते हैं। 100 बटेर को आपको उतना खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा, कोई खास मैनेजमेंट भी नहीं लगेगा, और अगर आपको मार्केटिंग की समस्या है तो वो भी उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी अगर आप 100 से शुरू करते हैं। इससे एक फ़ायदा दूसरा क्या होगा कि आपको उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि बटेर पालन में क्या समस्याएं आती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। छोटा बैच होगा तो आप ठीक से उसको देखभाल कर सकोगे और आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट आपका हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा उसके बारे में ज़्यादा आप जानने लगोगे तो फिर आप बड़ी बैचेस उसकी डाल सकते हैं। तब तक आप मार्केटिंग भी उसका या मार्केट अपने लिए डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको सेलिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं बटेर के शेड के बारे में। बटेर का शेड पोल्ट्री के शेड के जैसा ही होता है, सिर्फ उसकी जो जाली होती है उसको आपको छोटी जाली रखनी है क्योंकि कुछ बटेर उड़ सकते हैं तो उड़ के शायद बाहर भी चले जाएँ, तो आपको उसका जो बाहरी जाली है उसको छोटी रखनी है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, जो वाटर और फीडर होते हैं, जो पोल्ट्री में शुरुआती हम जो छोटे वाटर और फीडर यूज़ करते हैं वही सेम वाटर फीडर आप बटेर पालन में भी यूज़ कर सकते हैं। बटेर पालन का वाटर होता है, आपको वहाँ एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो वाटर का वाटरिंग एरिया होता है, जो बाजू का सर्कल होता है, उसमें आपको छोटे छोटे कंकड़ डालने हैं ताकि बटेर जो होते हैं उनके पंख उसमें ना भीगे। अगर वो पंख भीग गए तो उनको निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। और फीडर तो नॉर्मल जैसे पोल्ट्री का होता है आप वैसा ही यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे चूज़ों के प्रबंधन का, उनके मैनेजमेंट का। याद रखिए, जो पहले 10 या 12 दिन है वो बटेर पालन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही वक्त है जब सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखी जाती है। बटेर में मृत्यु
प्रमुख तीन कारणों से होती है। जब ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहां आपने चूज़े खरीद लिए हैं वहां से आपके फार्म तक आने के लिए पहली बार जो वो जितना ये टाइम बढ़ेगा जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ जहाँ मैन्युफैक्चर या वहाँ चूज़े जहाँ है वहाँ से आपके फार्म का जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होगी, तो आपके नज़दीक एरिया में उनका चूज़े होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, जैसे ही चूज़े आते हैं तो वो चूज़े एक्चुअली उनको अगर ठीक से ब्रूडिंग ना हो, ब्रूडिंग क्या होती है तो ब्रूडिंग ऐसे होता है कि आपके फार्म में एक छोटी जगह आपको करनी पड़ती है, या तो आप मेटल की शीट सर्कुलर शीट लगती है या चौकोन आप लकड़ी का लगा सकते हैं और वहाँ आपको बल्ब छोड़ने पड़ते हैं। ये बल्ब क्या करते हैं, उन चूज़ों को गर्मी देते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे ही शुरुआती पहले चूज़े होते हैं उनके पंख यानी विंग्स डेवलप नहीं होते तो बाहर की जो ठंडी होती है उसको वो सहन नहीं पाते, ऐसे वक्त में हमें उनको बाहर से गर्मी देनी पड़ती है, यानी हम उनको बल्ब लगा के गर्मी देते हैं। अगर ऐसे वक्त में वो ठीक से गर्मी उनको नहीं मिली तो निमोनिया होकर चूज़ों की मौत होती है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ ब्रूडिंग टेम्परेचर मेंटेन रखना है, जितना ब्रूडिंग उसको अच्छा मिलेगा उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और मोर्टिलिटी कम होगी। ब्रूडिंग में भी अब क्या होता है कि अगर आपका ब्रूडिंग बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होता है, चूज़े बाहर की तरफ जो अपना ब्रूडर है उसके बाहर कोने कोने में जाके बैठते हैं, यानी चूज़ों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा बल्ब के नीचे चूज़े आके खड़े हैं तो इसका मतलब है उनको ज़्यादा ठंड लग रही है इसलिए वो बल्ब के पास बैठे हैं, तो ये दोनों भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना सर्दी होनी चाहिए, तभी चूज़े नॉर्मल होंगे और उनकी मृत्यु कम होगी। चूज़े अगर एक जगह जमा होते हैं तो उससे क्या होता है कि एक चूज़े के ऊपर दूसरा चूज़ा चढ़ने लगता है और इस वजह से भी सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हो सकती है। तो आपको ब्रूडिंग टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। वो आपको कैसे समझ में आएगा, अगर सब चूज़े नॉर्मली आपके ब्रूडिंग एरिया में इंडिविजुअली घूम रहे एकदम यूनिफॉर्मली सब स्प्रेड हो गए एक जगह ना बाजू में ना बल्ब के नीचे है, इसका मतलब आपका ब्रूडिंग टेम्परेचर सही है। तो ब्रूडिंग अगर आप ठीक करते हैं तो पहले 10-15 दिनों में मृत्यु नहीं होगी, और अगर 15 दिन में मृत्यु नहीं होती उसके बाद बटेर में मृत्यु बहुत कम देखी जाती है। दोस्तों जैसे जैसे बटेर का एज बढ़ता है यानी 5वें-6वें दिन के बाद आपको ब्रूडिंग का टेम्परेचर कम करना पड़ता है, क्योंकि अब उनको बाहरी ब्रूडिंग की ज़रूरत नहीं होती, उनके पंख डेवलप होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपके बल्ब की हाइट बढ़ाते जानी है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन याद रखिए आपको आपका जो फार्म है जो बटेर का शेड है उसमें कंटिन्यूस लाइट आनी चाहिए, भले वो नेचुरल लाइट हो या आप आर्टिफिशियल बल्ब लगा के लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट 24 घंटे आपके फार्म पे आनी चाहिए। जैसे ही लाइट बंद हो जाएगी बटेर खाना पीना छोड़ देंगे, ये बटेर का नेचुरली उनका ये होता है कि दिन में खाना पीना करना और रात में वो शांत बैठते हैं, तो अगर आप 24 घंटे लाइट प्रोवाइड करते हैं तो उनका वज़न अच्छा बढ़ेगा, इसलिए आपके फार्म पे 24 घंटे लाइट होनी ज़रूरी है। अब बात करेंगे बटेर के फीडिंग के बारे में। जो ब्रॉयलर में आपको स्टार्टर फीड आप देते हैं ब्रॉयलर बर्ड्स को, सेम फीड आपको बटेर को देना है। जनरली एक बटेर 35 से 40 दिन में 400 से 500 ग्राम तक फीड खाता है और 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक उसका वज़न बढ़ता है। इसका इकोनॉमिक्स हम आखिरी में डिस्कस ज़रूर करेंगे कि एग्जैक्टली बटेर खाते कितना है, उस पर खर्चा कितना आता है और आप उससे मुनाफा कितना कमा सकते हैं। अब बात करते हैं बटेर के रोगों के बारे में। दोस्तों शुरुआती न्यूमोनिया के अलावा बटेर में अल्सरेटिव एंटेराइटिस, कॉक्सीडियोसिस और वर्म इन्फेस्टेशन जैसी बीमारियाँ होती है, और अगर आप अपना लीटर यानी जो बिछावन है उसको आप स्वच्छ रखते हैं साफ रखते हैं तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आपका जो लीटर है बिछावन है वो गीली नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। हर बैच के लिए आप अलग बिछावन यूज़ करें या कम से कम उसको सुखा कर फिर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप चूज़े आपके फार्म पे लाते हैं बटेर के, तो शुरुआत में आपको क्या करना है, उनके पानी में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन या नियोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। उस एंटीबायोटिक्स को आपको 1 लीटर में 1 ग्राम के अनुसार जो डोज रेट से आपको 5 से 6 दिन उनको देना है,
इससे क्या हो जाएगा, जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन बटेर में हो वो चला जाएगा। तो बहुत हद तक जो बीमारियां होती है उससे आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फार्म पर कॉक्सिडियोसिस का प्रॉब्लम है तो आप अपने पशु चिकित्सक से इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो कॉक्सिडियोसिस है या नहीं आपको कैसे पता चल जाएगा, जब भी आपके फार्म पे बर्ड मरता है तो आप उसका अपने डॉक्टर से उसका पीएम करवा लें, तो आपको वहाँ डॉक्टर बताएगा कि एग्जैक्टली किस वजह से आपके चूज़े या आपके बर्ड्स मर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर ज़रूर बताएगा। और समय पर डीवर्मिंग भी आपके बटेर की करनी चाहिए ताकि वर्म इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम आपके फार्म पे ना हो। दोस्तों अब बात करेंगे, अगर आपके पास 1000 बटेर यानी 1000 बटेर है तो फिर आपको उस पर कितना खर्चा आएगा और आप उससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले शेड के बारे में, अगर 1000 बटेर आपको पालने हैं तो आपको तकरीबन 200 स्क्वायर फीट जगह लगेगी, उतनी बड़ी जगह नहीं है, इतने कम जगह में आप 1000 बटेर तक पाल सकते हो। तो मार्केट में आपको 8 से 10 रुपए में और मैक्सिमम 12 रुपए में एक बटेर आपको मिल जाएगा, यानी चूजों का हमारा खर्चा हो गया 8000 से लेकर 10000 रुपए। दोस्तों एक बटेर 35 से 40 दिन में तकरीबन 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक फीड खाता है, और अगर 1000 बटेर के बारे में बात की जाए, अगर उन्होंने 500 ग्राम पर बटेर उन्होंने फीड खाया तो तकरीबन 500 किलो हमें फीड लगेगा, और मार्केट में आपको 30 रुपये प्रति किलो आपको ये फीड मिल जाएगा, यानी हमारा फीड पे खर्चा हो गया 15000 रुपये। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ सकता है, थोड़ी सी मेडिकेशन का बिल आ जाएगा, उसके आपको तकरीबन 1500 तक उसका खर्चा आएगा, तो हमारा पूरा खर्चा हो गया 26500 रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं बटेर के सेल के बारे में, तो अगर हमने 1000 का बैच डाला है तो अगर 10% मॉर्टेलिटी भी पकड़ ले तो फिर हमारे पास बचेंगे 900 बर्ड्स। वैसे 10% मॉर्टेलिटी हमारे फार्म पे बटेर पालन में कभी नहीं होती, फिर भी हमने 10% पकड़ ली, तो अब 900 बर्ड अगर हम बेचने हैं तो हम दो तरीके से बर्ड बेच सकते हैं, एक है होलसेल दूसरा है रिटेल। अगर हम होलसेल में बेचते हैं तो आपको 40 से लेकर 45 रुपये उसका पर बर्ड कॉस्ट मिलेगा या आपको उसकी प्राइस मिलेगी, और अगर हम रिटेल में बेचते हैं तो फिर 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक आप एक बर्ड को बेच सकते हैं। तो मोटा मोटी भी अगर हिसाब कर ले तो अगर हम होलसेल में बेचते हैं तो 40000 तक आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आप रिटेल में बेचते हैं तो आपको 50000 से ज़्यादा ही पैसे उसके मिलेंगे, यानी आप तकरीबन एक महीने में सिर्फ 200 स्क्वायर फीट में आप कम से कम 15000 से लेकर 25000 तक कमा सकते हैं बटेर पालन से। तो अगर आपके पास बहुत कम जगह है या आप पहले से बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो आप बटेर पालन भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में ये नया है तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, लेकिन एक बार मार्केट डेवलप हो जाए तो बटेर पालन जैसा व्यवसाय नहीं है, क्योंकि इसमें जो पक्षी होती है, बर्ड्स होते हैं, उनमें मॉर्टिलिटी बहुत कम होती है, किसी भी प्रकार का वैक्सीन नहीं लगता या वैक्सीन खास कोई देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम मेडिकेशन लगता है और बहुत कम डॉक्टर्स की भी ज़रूरत आपको लगेगी। तो एक अच्छा व्यवसाय है जो नए पशुपालक है, बकरी पालक है या नौजवान जो बेरोज़गार है, आप सब इन बटेर पालन का व्यवसाय कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बटेर पालन पर पहला वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अगर आप बटेर पालन के चूज़े बेचते हैं तो आप अपना नाम नंबर भी लिख दीजिए ताकि औरों को उसका फ़ायदा हो सके। बाकी कोई सवाल शंका हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने बकरी पालक, पशुपालक और जो भी दोस्त है उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर जयसिंह आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।